एंड वेलकम बैक टू अनिता'स किचन। आज फिर से मैं लाई हूँ आपके लिए उपवास की डिश। नॉर्मली हम उपवास में तली हुई चीज़ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे मोरैयों की खिचड़ी, जो बहुत हल्की फुल्की होती है और हेल्दी भी। जी हाँ, इसे बगर की खिचड़ी भी कहते हैं, इसे सामा की खिचड़ी भी कहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। सबसे पहले हम एक कप, ये बगर बोलते हैं या मोरैया बोलते हैं, इसे समा भी बोलते हैं, सामा की, ये इस तरह से छोटे छोटे दाने होते हैं और इसे हम धो के भिगा लेंगे। अब हमारे कुकर में हम एक चम्मच घी लेंगे। जैसे ही हमारा घी गरम हो जाए डालेंगे जीरा, सो जस्ट अबाउट आधा टीस्पून जितना जीरा। इसी में हम डालेंगे हरी मिर्च, तो एक कटी हुई हरी मिर्च डाली है हमने। डालेंगे आलू, ये मैंने दो मीडियम साइज आलू ले लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। आप अगर आलू माइनस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट खिचड़ी में आलू विल गिव अ वेरी नाइस फ्लेवर। इसी में हम डालेंगे सींग दाने, मूंगफली के दाने जो मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। मैंने अबाउट 10 से 15 मूंगफली लेके इस तरह से कूट लिया है। ये रहा मोरैया जो हमने भिगा के रखा था, पूरा डाल लेंगे कुकर में। इसी में हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़े से मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए। हरा धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ा सा नमक, लेकिन सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स कर लें। अब बारी है हमारे छाछ की, तो ये ऑलमोस्ट 2 कप जितना छाछ है वो हम पूरा डाल लेंगे इसमें। अब इसमें थोड़ा सा उबाल आए उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा के 3 सीटी आने देंगे। है रेडी एंड दिस इज रेडी टू सर्व। तो हमारी मोरैया खिचड़ी हो गई है रेडी। इसे सामा का चावल की खिचड़ी भी बोलते हैं, बगर की खिचड़ी भी बोलते हैं। इट इज़ सो नाइस एंड वार्म एंड सूदिंग। सो आपके किचन में भी ये ट्राई करिए व्रत के टाइम, भले वो नवरात्रि का व्रत हो या श्रावण महीने का उपवास। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम लवली रेसिपी विद अ ट्विस्ट।